How to place an order for a book पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बुक के लिए ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर बंद करना और शिपमेंट प्राप्त करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS 16.04 और Koha version 16.05। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान होना चाहिए। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपके सिस्टम पर कोहा संस्थापित होना चाहिए और आपको कोहा में एडमिन एक्सेस भी होना चाहिए। यदि नहीं है, तो कृपया इस वेबसाइट पर कोहा स्पोकन ट्यूटोरियल की श्रृंखला देखें। शुरू करने के लिए कोहा में सुपर लाइब्रेरियन बेला से लॉगिन करें। सबसे पहले हम रिसीविंग एन ऑर्डर को एनेबल करके शुरू करेंगे। हम इस ट्यूटोरियल में बाद में इस जानकारी का उपयोग करेंगे। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएं, ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। एक्विजिशंस प्रेफरेंसेस पेज खुलता है। प्रेफरेंस सेक्शन में एक क्रिएट आइटम के लिए ड्रॉप डाउन से प्लेसिंग एन ऑर्डर को रिसीविंग एन ऑर्डर में बदलें। पेज के शीर्ष में सेव ऑल एक्विजिशंस प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। चलो आगे बढ़ें। कोहा होम पेज पर जाएं, एक्विजिशंस पर जाएं और प्लस न्यू वेंडर पर क्लिक करें। नया पेज ऐड वेंडर खुलता है। कंपनी डिटेल सेक्शन में नेम पर जाएं और फील्ड में पवई बुक एजेंसी टाइप करें। कृपया ध्यान दें, हम वैसे ही कई विक्रेताओं को जोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे विवरण भरें। मैंने यहां कुछ विवरण भर दिए हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। चेकबॉक्स को चेक करना याद रखें। प्राइमरी एक्विजिशंस कॉन्टैक्ट, प्राइमरी सीरियल्स कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अबाउट लेट ऑर्डर्स और कॉन्टैक्ट अबाउट लेट इश्यूज। इन चेकबॉक्स पर क्लिक करने से विक्रेताओं को इन विकल्पों से संबंधित ईमेल सूचनाएं प्राप्त होंगी। यदि आपके पास किसी विशेष फील्ड के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो इसे खाली छोड़ दें। ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन सेक्शन में लिस्ट प्राइसेस आर के लिए कोहा डिफॉल्ट रूप से रुपी चुनता है। इस तरह इनवॉइस प्राइसेस आर के लिए कोहा डिफॉल्ट रूप से रुपी चुनता है। टेक्स्ट नंबर रजिस्टर्ड के लिए यस चुनें। लिस्ट प्राइसेस के लिए इंक्लूड टैक्स चुनें। इनवॉइस प्राइस के लिए इंक्लूड टैक्स चुनें। मैं टैक्स रेट को ऐसे ही छोड़ दूंगी। फिर मैं डिस्काउंट 10% और डिलीवरी टाइम 14 डेज प्रविष्ट करूंगी। मैं नोट्स फील्ड को खाली छोड़ दूंगी। सभी विवरण भरने के बाद पेज के निचले हिस्से में सेव पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलता है। अब विक्रेता के नाम के समीप प्लस न्यू बास्केट पर क्लिक करें। नए पेज ऐड अ बास्केट टू पवई बुक एजेंसी पर बास्केट नेम के लिए विवरण भरें। मैं iitb/st/books/2017-10 जोड़ूंगी। कुछ विवरण डिफॉल्ट रूप से कोहा द्वारा भर दिए जाएंगे। डिफॉल्ट विवरण बिलिंग प्लेस, डिलीवरी प्लेस और वेंडर में किसी भी बदलाव के लिए ड्रॉपडाउन से आवश्यक विकल्प का चयन करें। इंटरनल नोट और या वेंडर नोट जोड़ें यदि कोई है तो। इंटरनल नोट में मैं फॉर बायोलॉजी सेक्शन टाइप करूंगी। वेंडर नोट में मैं
To be delivered on 22nd May 2017 टाइप करूंगी। आवश्यकता अनुसार orders are standing पर क्लिक करें। मैं चेकबॉक्स को खाली छोड़ दूंगी। सभी विवरण भरने के बाद पेज के नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। खुलने वाले नए पेज पर प्लस ऐड टू बास्केट टैब पर क्लिक करें। ऐड ऑर्डर टू बास्केट डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब निम्न ऑप्शन से ऑर्डर करने के लिए एक पुस्तक का चयन करें। मैं फ्रॉम अ न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगी। शीर्षक न्यू ऑर्डर वाला एक नया पेज खुलता है। पुस्तक का शीर्षक प्रविष्ट करें जिसे ऑर्डर दिया जाना है। मैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी टाइप करूंगी। अगला अकाउंटिंग डिटेल्स है। क्वांटिटी में 5 प्रविष्ट करें। फंड में कोहा डिफॉल्ट रूप से बुक फंड चुनता है। यहां याद रखें यदि एक से अधिक फंड उपलब्ध हैं तो हम आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। इसके बाद करेंसी के लिए विवरण भरें। यहां कोहा डिफॉल्ट रूप से रुपी चुनता है। आप ड्रॉपडाउन से अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। वेंडर प्राइस में 1000 प्रविष्ट करें। अगला अनसर्टेन प्राइस है। यदि आप कीमत के बारे में अनिश्चित हैं, तो इस चेकबॉक्स को चुनें। मैं इसे खाली छोड़ दूंगी। अगला टैक्स रेट है। कोहा टैक्स रेट में डिफॉल्ट रूप से 0% चुनता है। मैं डिस्काउंट में 20% चुनूंगी। ध्यान दें कि कोहा रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1000 की स्वतः गणना करेगा। बजटेड कॉस्ट में 800, टोटल में 4000 और एक्चुअल कॉस्ट में 0.00। ध्यान दें कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को एडिट कर सकते हैं। इंटरनल नोट और वेंडर नोट टाइप करें यदि कुछ हो तो। मैं स्टैटिस्टिक 1 और स्टैटिस्टिक 2 को खाली छोड़ दूंगी और फिर पेज के नीचे सेव पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स के साथ नया पेज प्रदर्शित होता है। वार्निंग, यू विल एक्सीड 10.00% ऑफ योर फंड। Do you want to confirm this order? Yes, I confirm. पर क्लिक करें। बास्केट विवरण basket.iitb/st/books/2017-10 for Powai Book Agency के साथ नया पेज खुलता है। यह विभिन्न टैब भी दिखाता है। अब हम सीखेंगे कि बास्केट कैसे बंद करना है। उसी बास्केट डिटेल्स पेज में क्लोज दिस बास्केट टैब पर क्लिक करें। इसका मतलब है कि ऑर्डर अंतिम है और संबंधित विक्रेताओं को भेजा जा सकता है। Are you sure you want to close basket iitb/books/st/2017-10 के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। Yes बटन पर क्लिक करें। विक्रेता पवई बुक एजेंसी के नाम से एक नया पेज प्रदर्शित होता है। इस पेज को अभी तक बंद न करें क्योंकि हमें यहां कुछ और चीजें सीखनी है। आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि शिपमेंट कैसे प्राप्त करना है। उसी पेज पर रिसीव शिपमेंट टैब पर क्लिक करें। रिसीव शिपमेंट फ्रॉम वेंडर पवई बुक एजेंसी के साथ एक नया पेज खुलता है। रिसीव अ न्यू शिपमेंट के नीचे वेंडर इनवॉइस में iitb/st/books/2017-10 भरें। कोहा शिपमेंट डेट स्वतः ही चुनता है। ध्यान दें कि रसीद की तारीख शिपमेंट डेट है। मैं शिपमेंट कॉस्ट और शिपमेंट फंड को छोड़ दूंगी। पेज के नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अन्य पेज रिसीप्ट समरी फॉर पवई बुक एजेंसी खुलता है। नीचे स्क्रॉल करें और पेज के नीचे फिनिश रिसीविंग पर क्लिक करें। शीर्षक इनवॉइस iitb/st/books/2017-10
2017-10 के साथ एक और पेज खुलता है। शिपमेंट डेट पहले प्रविष्ट किए गए विवरणों के अनुसार कोहा द्वारा भरी हुई है और मैं बिलिंग डेट में 05/23/2018 चुनूंगी। मैं शिपिंग कॉस्ट को खाली छोड़ दूंगी। क्लोज पर क्लिक करें और फिर पेज के नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। एक नया पेज Invoice has been modified खुलता है। Go to Receipt पेज पर क्लिक करें। अब आप Receipt Summary for Pavai Book Agency देखने में सक्षम होंगे। आप कोहा से लॉग आउट कर सकते हैं। कोहा इंटरफेस के ऊपरी दाएं कोने पर जाएं। Spoken Tutorial Library पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से लॉग आउट चुनें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने बुक्स के लिए ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर बंद करना और शिपमेंट प्राप्त करना सीखा। नियत कार्य के रूप में बुक्स के लिए बजट बनाएं। इस तरह सिविल इंजीनियरिंग के लिए फंड्स बनाएं। मौजूदा विक्रेता पवई बुक एजेंसी के माध्यम से एक पुस्तक का ऑर्डर करें। निम्नलिखित लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांश देता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT-MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी विदाई लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।